अगली स्लाइड्स में हम सेवन टूल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल को वन आफ्टर नदर डिस्कस करेंगे एंड इन द फर्स्ट फेज स्कैटर डायग्राम ये क्वालिटी टूल है जिसको इस्तेमाल करते हैं टू एग्ज़ामिन दिलेशन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटाज पेयर डाटा इंटर रिलेटेड डाटा उनके दरमियान को रिलेशन को स्टडी करने के लिए या रिलेशनशिप कितना बेहतर है इसको स्टडी करने के लिए स्कैटर डायग्राम की मदद ली जाती है

इस तरह रिलेशनशिप ऑफ वॉल्यूम टू प्रेशर और टेम्परेचर जैसे बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ में हम कर रहे थे तो ये चीज़ें भी हमें स्कैटर डायग्राम के ज़रिए एविडेंट होती हैं स्कैटर डायग्राम में ये चार मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स को हम स्टडी कर रहे हैं अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है और लीनियर यानी डायरेक्ट प्रपोर्शनस है, तो हमें ये लीनियर लाइन line मिल रही है यानी हमारा डाटा रिप्रजेंट कर रहा है कि तमाम डॉट्स के दरमियान एक लीनियर रिलेशनशिप है ये दूसरा डाटा लीनियर रिलेशनशिप तो शो कर रहा है लेकिन नेगेटिव फॉर्म में शो कर रहा है इस तरह ये नेगेटिव नॉन लीनियर रिलेशनशिप ये जैसे वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे हम नॉर्मली इस पैराबोला के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं जबकि इस तरह का डाटा जो आपके सामने है ये किसी स्कैटर डायग्राम या किसी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा ये सिर्फ रैंडम पॉइंट्स को शो कर रहा है तो कोई रिलेशनशिप है या नहीं है किसी एक चीज़ के बढ़ने या कम होने से दूसरी चीज़ पर कोई असर पड़ता है इस चीज़ को देखने के लिए हम स्कैटर डायग्राम्स बनाते हैं यानी दो वेरिएबल्स के दरमियान हम रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हैं कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है या एक के बढ़ने से दूसरी दूसरे वेरिएबल में कोई कमी वाक़ होती है तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ या टेम्परेचर की बात थी या एब्जॉर्बेंस और कंसनट्रेशन की बात थी इनके ज़रिए हम रूट कॉज एनालिसिस भी कर सकते हैं और किसी कॉज़ की वजह मालूम भी कर सकते हैं